हेलो गाइस, मैं हूँ योगेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेप एडिटर का ही कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें अपने को किस तरीके से ये कमांड को यूज़ करना है। अब जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं डेस्कटॉप में मेरे ट्रेनिंग का फोल्डर है, आर्ट कैंप ट्रेनिंग, और यहाँ पे है शेप एडिटर से रिलेटेड फोल्डर। तो कल लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें भी मैंने कुछ शेप एडिटर से रिगार्डिंग फ्लावर का ही बताया था, और आज भी मैं बताने जा रहा हूँ वही टाइप का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बट मेन फोकस रखिएगा, मेन जो इसमें जो है, ठीक है, इसका इसका जो कॉन्सेप्ट जो है उससे थोड़ा अलग है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बढ़ाए थे इसका रिजोल्यूशंस, क्योंकि रिजोल्यूशंस के बिना डिज़ाइन का क्लियरिटी सही नहीं दिखेगा। अब रिजोल्यूशंस बढ़ाने के बाद में इसका अपने को बनाना है आउटर वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले एक अपन इसका बनाते हैं आउटर वेक्टर, क्योंकि ये जो फ्लावर जो है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट कुछ अलग ही है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो ये जो डिज़ाइन जो बनाया था, ठीक है, इससे मिलता जुलता है, बट इसमें एक दो और प्रोसेस ऐड हो जाएगा, ठीक है, सीखने जैसी चीज़ है। और कमांड वही शेप एडिटर, ठीक है। शेप एडिटर कैसा है, देखो, शेप एडिटर के बारे में बताया था, शेप एडिटर कमांड किस तरीके से काम करती है। जैसे कि यहाँ से अपन ने शेप एडिटर कमांड ली, शेप प्रोफाइल, दो ही प्रोफाइल है यहाँ पे, या तो राउंड करेगा या स्क्वायर करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इसने किया राउंड, या तो ऐसा शेप देगा या फिर ये स्क्वायर का शेप देगा, ठीक है। और इसमें कोई एडवांस नहीं है, इनके अलावा शेप एडिटर का कोई और रोल नहीं है, ठीक है। फिर एक लिमिट टू हाइट है, वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये अपन ने राउंड दिया, अब जैसे कि अपने को हाइट यहाँ पे देना हो, तो इसके लिए स्केल टू हाइट है, अपन गए 15 mm हाइट, यहाँ पे जेड अपने को बता रहा है 15 mm है, 15 mm हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एंगल, 95 डिग्री अगर एंगल अपन, सॉरी 90 डिग्री अगर एंगल अपन यहाँ पे करते हैं, तो इसका शेप कुछ अलग ही होगा। तो फ्लावर वगैरह के जो मिडिल जो पार्ट जो होते हैं, वहाँ पे एंगल जो है अपन ये तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो है लिमिट टू हाइट, ठीक है। लिमिट टू हाइट का मतलब क्या होगा, कि जितना अपन हाइट देंगे उतना ये डिज़ाइन जो है उतना 3D में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में जो है कॉर्नर राउंड करने के बाद में ये हो गया फ्लैट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे कि 10 mm अपन ने दिया ही था, ठीक है, तो 10 mm दिया, तो ये 10 mm इसका हाइट हो गया, स्टार्ट हाइट यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि अपने को 3 mm 4 mm जो भी यहाँ पे अपने को देना हो, तो ये हो गया इधर स्टार्ट हाइट, ठीक है। तो ये बेसिक शेप एडिटर कमांड है, बट इसमें अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट कि इसको यूज किस तरीके से करना है। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोग को कमांड सारी आती है, शेप एडिटर हो, टू रेल हो, एक्सट्रूड हो, जो भी हो, बट डिज़ाइन जब बनाने जब बैठते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे अपने को कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो अपन इसमें आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें अभी अपन ये 3D फ्लावर को बना के देखते हैं, ये जो फ्लावर है, ठीक है, इसको किस तरीके से बनाना वो देखते हैं। अब सबसे पहले लाइन को ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है, स्केल टू हाइट। स्केल टू हाइट का मीन्स अपने को एग्जैक्ट इतना हाइट करना है। तो यहाँ पे 15 mm डाला, तो राइट साइड में यहाँ पे आ रहा है जेड, ये अपना हो गया जेड, 3D हो गया 15 mm। अब थोड़ा ऐसे आइसोमेट्रिक करके ये तरीके से देखो, तो क्या अपने को क्लियर हो जाएगा कि 15 mm मीन्स होता क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसमें जो है वो हाइट कितनी देनी है, 5 mm देनी है, 10 mm देनी है, 20 mm देनी है। क्योंकि हाइट का कैसा है, कस्टमर अपने को एक और भी देगा कि भाई ये साइज में अपने को काम करना है। फिर हर जगह हाइट जो आएगा वो अपने को डिसाइड करना है कि हाइट किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो ये जो हाइट जो है, इमेज के हिसाब से अपन देखते हैं कि हाइट नॉर्मल है, अगर लग रहा है ज़्यादा है, ठीक है, तो अपन अभी भी कम कर सकते हैं और बाद में इसके रिलीफ कमांड में जाके भी अपन कम कर सकते हैं। तो ये अपन ने किया नॉर्मल ऐड।
अब ये करने के बाद में अपने को बनाना है ये जो पत्ती जो दिख रही है, ठीक है, इसका अपने को बनाना है आउटर। अब आउटर बनाने के लिए नोड एडिटिंग कमांड, सबसे पहले पॉलीलाइन क्रिएशंस, ठीक है, ये तरीके से अपने को इसको ट्रेसिंग करना है। अगर आपको आर्ट कैम में सही लगे तो आर्ट कैम, ठीक है, अदर सॉफ्टवेयर में आप अच्छे से जानते हो तो उसमें करिए, बट ये जो छोटे मोटे काम के लिए अगर आप 2D बनाने के लिए अगर ऑटो कैड वगैरह में जा रहे हो तो वो फिर कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर अगर इसमें एडिट करना हो तो वापस से आपको ऑटो कैड में जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि बेसिक 2D जो है, कार्विंग से रिलेटेड 2D, इसमें बनाओ तो आपको ईजी रहेगा। एडिट वगैरह करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब नोड एडिटिंग कमांड में गए, नोड एडिटिंग का मतलब यही है कि इसको जो है अपने को प्रॉपर एडिट करने हैं, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं, आर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका शॉर्टकट की है ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरिया अपने को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये एरिया इसके नीचे दब गया है, तो उसको अपने को जो है प्रॉपर जिस तरीके से वो आ रहा है, जिस वे से आ रहा है, वो वे को पूरा कंप्लीट कीजिए। मतलब जैसी प्रोफाइल वो बनाते हुए आ रहा है वैसी ही प्रोफाइल अपने को बना दिए, क्योंकि इसमें कैसा है, ये अब ये जो दूसरी पत्ती है इसके नीचे ये दबा हुआ है, ठीक है, अब उसका अपने को वेक्टर बनाना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यही तक वेक्टर बना देते हैं, अपने को वो नहीं करता, ठीक, अपने को वो नहीं करना। इसमें करना क्या है, नीचे वाली जो रिलीफ जो है, ये वाली जो पत्ती जो है, उसका आउटर, उसके आउटर को फील कीजिए कि हाँ ये आउटर, इसका आउटर किस तरीके से बन सकता है, तो वो तरीके से इमेजिन करके इसको कंप्लीट कीजिए शेप को। तो ये तरीके से कुछ अपन शेप को कंप्लीट करते हैं नोड एडिटिंग के जरिए, ठीक है। और जितने भी ये जो कॉर्नर पॉइंट जो है, इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, ब्लैक पॉइंट जो होते हैं ना, ठीक है, उनको करना अपने को इसमें। ये तो होगा क्या कि आउटर में अगर कॉर्नर पॉइंट है तो 3D बनाते टाइम में उसका इंप्रेशन आएगा अंदर की साइड में। तो स्मूथ करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे है एस, या फिर पॉइंट के ऊपर अपन कर्सर लेके गए और फिर अपने को दबाना है एस। तो ये अपन ने एस दबाया, सेम इज प्रोफाइल को अपने हिसाब से मैच करवा दो, ठीक है, ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया इसका आउटर प्रोफाइल, इतना डन है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बनाने जा रहे इसका एक और रिलीफ, ठीक है, इसको हाइड कर दो, उसको वो एक बार अपना तैयार हो गया उसके बाद में अपन देखते हैं, ठीक है। ये लिया राउंड, यहाँ पे हाइट देते हैं अपन 4 mm, ठीक है, 5 mm, और डिग्री इसमें 90 देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्री देने से क्या है, डिग्री देने से उसका अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये अपन ने डिग्री बढ़ाई और स्टार्ट हाइट 1 mm दे देते हैं, 1 mm देखते हैं कितना होता है, ठीक है, 1 mm इनफ है। अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो अपन बाद में कर लेंगे, बट अभी के हिसाब से ये ठीक है। तो इसको अपन ने किया, अप्लाई किया। अब इसमें अपने को कमांड यूज़ करनी है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फेड रिलीफ कमांड। कमांड बहुत ही छोटी सी कमांड है, बट इसका इसको अलग अलग इसको अपन अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। मेन होता क्या है, कमांड सब लोग जानते हैं कि हाँ फेड रिलीफ का मतलब ये तरीके का काम करने के लिए, ग्लान बनाने के काम के लिए, बट बहुत से लोग उनको कंसेप्ट में क्रिएट नहीं कर सकते। तो मेन ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई इमेज पर अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ओवरव्यू पहले समझ लीजिए, कौन सी कमांड कहाँ पे यूज होगी, क्यों यूज होगी, ठीक है, कैसे यूज होगी, वो सब क्लियर कीजिए, उसके बाद में काम चालू कीजिए, ठीक है। तो अगर आप सही कहीं पे अगर डिज़ाइन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके पास में 1 या 2 अल्टरनेटिव होंगे, और डिज़ाइनर के पास में हमेशा अल्टरनेटिव होते हैं कि ये ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो ये तरीके से, ठीक है। तो ये तरीके से अपन ने फेड रिलीफ कमांड यूज़ की। अब 100% का मतलब है एक पॉइंट अप, एक पॉइंट डाउन, ठीक है। अब इमेज देखते हैं कि अप किधर है, डाउन किधर है, ठीक है। तो ये भाग अप दिखा रहा है और ये भाग डाउन दिखा रहा है, ठीक है।
ये क्लियर है, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जैसे ही मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कई कबार क्या होता है, इसका इसके आउटर में कुछ ये तरीके से इंप्रेशन क्रिएट होगी। तो अपने को क्या करना है, एक बार लाइन सेलेक्ट की अपन ने, ठीक है, अब रैंडमली कहीं पे भी क्लिक कर दो, तो वो जो अभी यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा था, ठीक है, वो अभी निकल गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इमेज के हिसाब से ये अप है, ये डाउन है, ठीक है। थोड़ा इसको अपन चेंज करके देखते हैं। ठीक है, ये है अभी 100% अप डाउन है। अपन इसको थोड़ा जो है, थोड़ा स्टेप अपने को चाहिए, थोड़ी हाइट चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फिर एकदम ढलान ढलान में दिखने लगेगा। ठीक है, थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है, अब ये अपन ने अप्लाई किया, ये होने के बाद में अभी अपने को करना है 3D को कॉपी। ठीक है, 3D को कॉपी करने के लिए एक ही कमांड है, लेयर सेलेक्ट कीजिए, और लेयर सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस हैं रिलीफ कुकीज कटर, ठीक है, रिलीफ कुकीज कटर यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपन गए क्लिप आर्ट, ठीक है, यहाँ पे अपन करते हैं रिलीफ कुकीज कटर, यहाँ पे अपन ने क्लिक किया। अब अपने को ये करना है कॉपी, 3D में कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के लिए इसमें कमांड है रोटेट, और यहाँ पे है ये सेंटर, ठीक है, ये जो सिंबॉलिक सिंबॉल जो अपने को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिए, 360 डिग्री, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 5 है, और ये अपन ने किया अप्लाई। अब ये होने के बाद में ये जो क्लिप आर्ट जो है, ठीक है, ये क्लिप आर्ट को एक बार अपन देखते हैं 3D में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तरीके से अपने को ये बता रहा है, अप डाउन जो चीज़ जो दिख रहा है, ठीक है, वो ठीक है। अब इसको अपने को करना है रिलीफ में कन्वर्ट, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे है मर्ज आई, और इधर से है पेस्ट सेलेक्टेड क्लिप आर्ट। अब ये जो है क्लिप आर्ट से रिलीफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और इसका जो रिलीफ नंबर जो है वो है ये 1, ठीक है। अब नीचे वाली जो लेयर जो है इसको अपन करते हैं ऑन। अब जैसे ही ये जो अपन ने ऑन किया, ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो डिज़ाइन जो अपने को दिखा रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले का हाइट बहुत ही ज़्यादा अभी मेरे को दिख रहा है, तो इसको कर देते हैं कम, ठीक है, इसको किया 12 mm, किया 13 mm कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई। अब ये जो अपन ने ये जो पत्ती जो बनाई इसके ऊपर, ठीक है, इसका हाइट थोड़ा अपन अप कर देते हैं, 4.3 है, ठीक है, ये करते हैं अपन 5.5 करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये पूरा अपना तैयार है। अब अपने को क्या करना है, ये जो आउटर मटेरियल जो है, ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्रिएट करते हैं आउटर बाउंड्री, तो इसके लिए कमांड है क्रिएट बाउंड्री फ्रॉम रिलीफ, यहाँ पे सेलेक्ट लेयर है, ठीक है, और ये अपन ने किया क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री करने के बाद में लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है, और सबसे पहले ये लेयर में क्या है, जो नीचे वाली जो रिंग जो है वो अपने को करनी है डिलीट, ठीक है, उसका आउटर अपने को डिलीट करना है। तो यहाँ पे है 0 इनसाइड और ये है 0 आउटसाइड, तो अपन करते हैं यहाँ पे 0 आउटसाइड। ये करने के बाद में देखिएगा प्रोफाइल अपने को दिख रही है, आउटर प्रोफाइल, ठीक है। तो ये अपन ने आउटर बना दिया, अभी अपने को काम करना इनर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हटा दो, तो इधर अपन ने किया 0 इनसाइड, इतना हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद में अपने को बनाना है इसमें बीच वाला जो डायमीटर जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ये अपने को बनाना है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा जो ये जो
डायमीटर है, इसको अपन करते हैं ऑफसेट। ठीक है, ये ऑफसेट करने के बाद में देखो एक प्रोफाइल अपने को बनानी है। यहां से ये तरीके से एक प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, देखो अब इसके इसके नीचे वाला भाग जो है अपने को नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अपने को जो है रेफरेंस वो जिस तरीके से जा रहा उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, अगर वो टेढ़ा जा रहा तो उसको मतलब टेढ़ा ही कंप्लीट कर दो, सीधा जा रहा है तो सीधा कंप्लीट कर दो। यही है मेन डिजाइनिंग का समझने का तरीका, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता है कि वेक्टर किस तरीके से बनाना है। तो ये है वेक्टर बनाने का सॉल्यूशन। तो ये तरीके से अपन ने एक 2D बना दिया। अब ये करने के बाद में इसको कर देते हैं अपन स्मूथ। ठीक है, ये सब हो गया। अभी अपने को रखना है केवल ये जो लाइन जो दिख रही है। ठीक है, ये जो अपने को ये रखना है, बाकी सबको करना है कट। तो इसके लिए बेस्ट कमांड है या तो ट्रिम कर दो वन बाय वन, या फिर इसमें कमांड यूज करनी है तो इसमें कमांड यूज करो ये एक्सप्लोडेड वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर सारे ऐसे के ऐसे रहेंगे। एक्सप्लोडेड का मतलब एक दूसरे से जो जॉइंट वेक्टर जो है वो वहां से हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, तो मैं करता हूँ अभी ब्रेक। तो जो भी वेक्टर है वो वेक्टर सेलेक्ट किए, अभी क्लिक करना है अपने को एक्सप्लोड वेक्टर पे। तो ये देखिए, ये जो वेक्टर जो है सारे अलग अलग हो गए। तो अपने को इसकी जरूरत है, तो इसको करते हैं जॉइंट। ठीक है, एक ये भी चाहिए और दूसरा एक मेन वेक्टर जो है। ठीक है, अभी जो है आर्क अपन ने जो है दूसरी लाइन के साथ जॉइन कर दिया, तो अभी इसको करना है क्लोज। जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक सेफ एडिटर कमांड काम करेगी नहीं। तो क्लोज करने के लिए देखो यहाँ पे कमांड है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये लाइन से क्लोज करेगा, फिर है इसमें क्लोज विथ ए कर्व। तो ये पूरा जो है क्लोज हो गया। अब अपने को बनाना है एक डायमीटर। सेफ एडिटर किया, ठीक है, और स्टार्ट स्केल टू हाइट में इसको देना है कितना, 16। ठीक है, हल्का सा ये बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये जो डायमीटर अपन ने जो बना है। ठीक है, अब थोड़ा अभी भी स्टार्ट हाइट दे दीजिए इसमें। ठीक है, देखते हैं अपने को अगर कम ज्यादा लग रहा है तो अपन बाद में भी कर लेंगे। अब इसको मैंने किया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में मेरे को जो चाहिए अभी इतना एरिया चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको कर देते हैं अपन जीरो आउटसाइड। अब जीरो आउटसाइड करने के बाद में कमांड अपने को यूज करनी है। इमेज में देख सकते हैं कौन सी कमांड यूज होने वाली है। ये भाग अप है और ये भाग नहीं दिख रहा, मतलब ये ऑब्वियसली डाउन ही है। ठीक है, अब जब ये तरीके से अपन एक भाग को अप करेंगे दूसरे भाग को डाउन करेंगे, फिर अपने को कंटिन्यूस करना है कॉपी, जैसे कि अपन ने किया इधर मैन फ्रंट भाग में। ठीक है, तो सेम तरीके से अपने को ये यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करना है। तो फेड रिलीफ कमांड अपन ने ली। ठीक है, ये भाग अप है तो इसको करते हैं रिवर्स। ये पॉइंट को थोड़ा इधर लिया और ये पॉइंट को लिया इधर। ठीक है, ये अपन ने किया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है 100% डाउन जा रहा है, मतलब बहुत ही नीचे हो जाएगा। तो इसको जो है थोड़ा अपन कर देते हैं इसको ऊपर। ठीक है, 80% से थोड़ा अपन और ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने लिया 75%। अब ये हो गया। ठीक है, ये होने के बाद में अगेन
क्लिप आर्ट कीजिए, ठीक है। अब क्लिप आर्ट करने के बाद में इसको अपने को करना है कंटिन्यूस कॉपी। तो यहाँ पे ये है इसका सेंटर, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज के 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब एक बार सेव देख लेते हैं कि प्रॉपर अपना हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, तो ये अपने को प्रॉपर अपने को दिखा रहा है कि ये भाग अप है, ये भाग डाउन है, ठीक है। अब क्लिप आर्ट एक बार सिलेक्ट करके हाइट अपन देख लेते हैं कि कितना हाइट है इसका, ठीक है। 13 mm के आजू बाजू इसका हाइट है, ये अभी भी कर सकते हैं और उसके बाद में भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन करते हैं इसका 15 mm हाइट। अब इसको कर दो ग्रुप, तो ग्रुप के लिए कमांड है इधर कंट्रोल जी। ग्रुप इसके लिए करना है क्योंकि अंदर एक और लेयर दिख रही है सेम इस, तो इसको अभी करता हूँ मैं, इसको छोटा करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका आधा कर देता हूँ। अब इसको लो इसके सेंटर में, इसके सेंटर में लिया, ठीक है। अब एक बार इसका शेप देखते हैं कि शेप किस तरीके से दिखा रहा अपने को। तो यहाँ पे ये प्रॉपर इसका शेप दिखा रहा, जो अपना बाहर का शेप जो है नीचे भी सेम है दिख रहा है, ठीक है। अब इसको कर दो क्लिप आर्ट, तो ये अपन कर देते हैं क्लिप आर्ट से, इसको रिलीप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो डिज़ाइन जो है, ठीक है, अभी अपना क्लिप आर्ट से रिलीप में कन्वर्ट हो गया। सेप अपन देखते हैं जो यहाँ पे इमेज में दिख रहा था कि ये अप ये डाउन, ठीक है। तो ये तरीके से यहाँ पे भी ये दिख रहा है, ये अप है, ठीक है, और ये जो है वो हाइड हो गया, मतलब वो ऑब्वियसली डाउन ही है। अब उसके अंदर सेम है, एक ऐसी की ऐसी अपन ने लेयर भी बनाई है, ठीक है। और अब अपन इसमें करते हैं एक अंदर जो राउंड करके जो है इमेज में हल्का सा दिख रहा है, तो ये अपन राउंड करके एक बना देते हैं और ये डिज़ाइन को अपन करते हैं फिर कंप्लीट, ठीक है। तो ये राउंड अपन ने बनाया, ठीक है। अब राउंड लिया 4 mm और 4 mm स्टार्ट हाइट, ठीक है। ये राउंड जो है थोड़ा इससे अपने को बाहर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 mm स्टार्ट हाइट, और अभी ये जो राउंड जो है ये अपने को दिख रहा सही से, ठीक है। ये किया अप्लाई, और अभी अपन देखते हैं अंदर का हाइट, ठीक है। अंदर का हाइट अपने को जो है वो इसके लेवल में चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि, ठीक है, टोटल हाइट जो है वो कितनी हो रही है। तो ये जो दो लेयर जो है, ठीक है, इसका मतलब है बॉटम लेयर, और इसका मतलब जो है ये जो पत्ती जो बनी, ठीक है, ये इनका हाइट। तो ये दोनों को अपन करते हैं, ये दोनों को कर देते हैं अपन मर्ज। तो ये मर्ज होगी, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो दो लेयर जो है, ठीक है, इनको मर्ज कर दो, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि किसका क्या हाइट है, ठीक है। तो टोटल हाइट जा रहा अभी 18 mm, तो 18 mm हाइट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा इसको अपन कर देते हैं कम, ये अपन ने किया 16, ठीक है। इसको 17 किया, और फिर अंदर वाला जो है उसको भी सेम हाइट में अपन ले लेते हैं, ये लिया 15 है, इसको भी कर देते हैं 17, और ये किया अप्लाई, ठीक है। तो ये तरीके से डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इसको कर देते हैं मर्ज इनटू सिंगल लेयर, ठीक है। ये होने के बाद में हल्का सा इसको जो है यहाँ से एडिट में जाके ओवरऑल स्मूथ कर दो, जितने भी जो शार्प एजेस जो होंगे, शार्प एज जो होंगे, ठीक है, शार्प कॉर्नर जो होंगे वो सारे स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। और जितना डिज़ाइन में जितना शार्प एज स्मूथ कर सको ना, उससे क्या होगा कि
डिज़ाइन का लुक जो है वो थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जितनी भी शार्प एजेज जो थी ना वो अभी राउंड में कन्वर्ट हो गई, तो एक लेवल में जाके स्मूथ किया अपन ने, और उसके बाद में इसको कर दो अप्लाई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा भी स्मूथ नहीं हो, ज़्यादा स्मूथ होगा तो क्या होगा पता है, उसका डिटेल जो है उसका डिटेल निकल जाएगा, तो उतना भी अपने को स्मूथ नहीं करना है। ठीक है, ये अपन ठीक है, इतना अपन इसको कर देते हैं। और ये होने के बाद में देखो अपने को क्या करना है, आउटर वेक्टर अपने पास में है ही है। ठीक है, ये होने के बाद में आउटसाइड जो भी मटेरियल जो बन रहा है ठीक है उसको कर दो, कट। तो ये जीरो आउटसाइड वेक्टर, ये अपन ने कट किया। ठीक है, तो ये तरीके से ये प्रॉपर आप अपने को डिजाइन देख रहे हैं। तो ये तरीके से शेप आइटम में फेड रिलीफ वगैरह किस तरीके से यूज़ करने हैं। ठीक है, क्योंकि फेड रिलीफ भी कोई बड़ी कमांड नहीं है, जस्ट आप वेक्टर सेलेक्ट करो, लेयर सेलेक्ट करो। ठीक है, एक साइड का अप हो जाएगा, दूसरी साइड का डाउन हो जाएगा, बट यूज़ करने के तरीके, तो मेन कमांड को कैसे यूज़ करना है वो होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को कमांड पता होती है बट वो डिज़ाइन वो तरीके से नहीं कर पाते। उसका रीज़न जो होता है ना वो होता है कि प्रॉपर प्रैक्टिस। आर्ट कैम सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, हर दिन अपने को नया सीखने को मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर आप करते हो तो ये टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट को आर्ट कैम की ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि उनके शेप एडिटर से रिगार्डिंग, कमांड से रिगार्डिंग जितने भी जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग देता हूँ वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग देता हूँ। कमांड बताने के बाद में 10 से 15 इमेजेस पर उनको काम करवाता हूँ, जैसे कि यही शेप एडिटर है। तो ये टाइप के बहुत सारे अभी भी कॉन्सेप्ट बाकी है जिन पर मैं स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हूँ, और उनका जो इमेजिनेशन जो है उसको मैं बाहर लाने की कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा वो इमेजिन कर सके। ठीक है, कि कमांड को कैसे यूज करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अपने को ये अगर चीज़ आ गई कि कमांड को यूज कहाँ पे करना है और कैसे करना है, ठीक है, फिर इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये टाइप का आज बेसिक एक कंसेप्ट है जो शेप एडिटर कमांड से कंप्लीट होता है। ठीक है, और आगे बहुत सारे मतलब आर्ट कैम के कंसेप्ट जो है उसके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।